हाथी आ रहे हैं, जंगल में हैं और अब शहर, गांव और आपके घर तक। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। कैमरा के पीछे हैं लक्ष्मी शंकर चक्रधारी। देखिए यह खास रिपोर्ट। तस्वीर और हालातों को देखकर मानो गरियाबंद जिला जंगली हाथियों का डेरा सा बन गया है। यहाँ हाथी अपने मन से आते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं, किसानों के फसलों को बर्बाद भी करते हैं और कभी कभी इंसानों तक की जान लेकर चले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले 4-5 सालों से यूं ही जारी है। वन विभाग हाथियों को कंट्रोल या खदेड़ने में कामयाब तो होते हैं, पर कभी कभी नाकाम साबित भी हो जाते हैं। जिले के ऐसे कई इलाकों को हाथियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। हर साल उनका आना जाना जारी है। पहले हाथी आने की खबर मिलते ही चारों तरफ हड़कंप मच जाता था। हाथी गांव के करीब जंगल में रहते थे, लेकिन अब जंगल से शहर, गांव और अब आपके घर तक पहुंच रहे हैं। पहले हाथियों को देखने लोग जंगल की ओर भागे चले जाते थे, पर अब हाथी ही उनके गांव शहर की गलियों में इत्मीनान से घूमते हुए चलते हैं। हाथियों को फर्क नहीं पड़ता कि वे शहर या गांव में लोगों के बीच है, अपने अंदाज में आते हैं और दहशत फैलाकर चले जाते हैं। गरियाबंद जिले की हरी भरी वादियाँ हाथियों के रहवास के लिए अनुकूल है। हाथियों को प्रजनन के लिए भी यहाँ की जलवायु और क्षेत्र रास आ रहा है। पिछले साल 21 हाथियों का झुंड पहुंचा था और फिंगेश्वर क्षेत्र के बनगावा के जंगल में हथनी ने एक बच्चे को जन्म भी दे चुकी है। जानकारी के मुताबिक हाथियों को प्रजनन के लिए भी ऐसी जगह चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो, घने जंगल, साथ ही थोड़ी समतल और नमी वाली जगह हो। ऐसी कई जगह जिले के जंगल में है। जिले का वातावरण ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जंगल में पर्याप्त चारा, नदी नाले, बांध हाथियों को अनुकूल आवास उपलब्ध कराते हैं। खासकर फिंगेश्वर, छुरा, मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में बारों माह हाथी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हाथी कभी एक या कभी दो या फिर दर्जनों की संख्या में आते हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियों को चारे के तौर पर भरपूर मात्रा में धान मिल रहा है। वहीं हाथियों के चलने से फसल बर्बाद हो जा रहे हैं और किसान विभाग से मुआवजे की मांग करते करते परेशान भी हो रहे हैं। शाम को आया रात में मेरे खेत में और खरही रचा था, उसको पूरा तहस नहस करके पैरा टाइप का बीज दिया। क्या लगता है मुआवजा मिलेगा? सूखा आश्वासन बस है और कुछ नहीं इसमें। 4-5 साल हो गए हैं घूमा थे गरिया में बुलाक ला और घूम के समझ हाथी गंजारे डेंग में आ जाते पूरा। अच्छा, और 3-4 साल हो गए पूरा तहस नहस कर सब फसल। कोई नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा वगैरह? मुआवजा ऐसे हमारे गांव में तभी तक नहीं मिले है कनौन हाथी के नाम से। नुकसान लिखच पढ़ी नहीं होती इस कतको जन के कैसे कैसे होते थे। जिस गांव में हाथी आने की आहट मिलती है वहां हड़कंप मच जाता है, लोग डर जाते हैं। वन विभाग की टीम गांव-गांव मुनादी कराते हैं। गांव का मंजर शाम होते ही बदल जाता है। वन विभाग भी हाई अलर्ट जारी कर देते हैं। वन विभाग की टीम मशाल और बड़े टॉर्च के सहारे हाथियों पर नजर रखते हैं। हाथी गांव में ना घुसे इसलिए नाकाम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हाथी गांव क्या अब गलियों में भी घुस जाते हैं। हाथी सिर्फ फसलों को बर्बाद ही नहीं बल्कि कई इंसानों की जान भी इस क्षेत्र में ले चुके हैं, जिससे क्षेत्र में हाथियों के नाम से अब बड़ा दहशत बना हुआ है। कहाँ रहता है?
घर करारी से घर के पास आ जाता है। बहुत ज्यादा डर है और खौफ का माहौल पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। हाथी से सब डरे हुए सहमे हुए हैं। कभी भी दौड़ा सकता है भाई, मार सकता है। सावधानी बहुत जरूरी है। डर तो बहुत लग रहा है। लोग सब ऊपर में आ गए हैं। हाँ, हम लोग छत के ऊपर आ गए। लगातार हाथियों पर नजर रखने, क्षेत्र में गजराज वाहन को भी देख सकते हैं। शुरुआती दौर में इस वाहन को देखकर हर कोई हैरान हो जाते थे, पर अब मानो लोगों की आदत सी हो गई है। इस वाहन के सहारे ही वन विभाग की टीम हाथियों के गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ताकि हाथियों को और किसी व्यक्ति को कोई नुकसान मत पहुंचे। फिर भी हाथी इंसानों की जान ले चुके हैं और गांव के गलियों तक घुस जा रहे हैं। पिछले साल गरियाबंद के धवलपुर क्षेत्र में एक हाथी की करंट लगने से मौत भी हो चुकी है। बावजूद वन विभाग के पास अब तक हाथियों की सही देखरेख, उनकी स्थितियों को समझ सके ऐसा एक्सपर्ट नजर नहीं आता। सबसे जरूरी बात यह है कि हाथी यहाँ इतने सालों से आ रहे हैं, लेकिन गरियाबंद जिले में इन हाथियों को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट यानी हाथियों के हर एक मूवमेंट की बारीकी से जानने वाले, उनके हाव भाव को समझने वाले, कब हाथी आक्रोशित होते हैं, उनके जाने का रास्ता किधर होता है, यह एक्सपर्ट इस ज़िले में नहीं होने की वजह से हाथी कहीं भी और कभी भी कहीं भी घुस जा रहे हैं और अपना दहशत फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो लगता है कि हाथियों का जो एक्सपर्ट है क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? उनकी जानकारी होना चाहिए कि हाथी कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है, किस टाइम इस तरफ जाएगा कि उस तरफ जाएगा, उनकी जानकारी उनकी टीम को होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है यहाँ कोई है? कोई नहीं है यहाँ तो। 10 बजे से यहाँ गजराज वाहन का टीम यहाँ पंचायत भवन में 10 बजे से 5 बजे तक सोया है। आपका नाम? गया राम सिन्हा। जानकार आदमी होना चाहिए। जानकार आदमी जी, जो हाथी को खदेड़ भगा। अच्छा, यहाँ से भगा जी सर। हाथी जंगल के अलावा आप कहाँ कहाँ दिखते हैं? गाँव में भी आ चुका है 2-3 बार। इस पर नहीं है, मन खाना वाना खाते बेचारा मन आराम करत रहते। हाँ। नहीं कर पाए वो काम, ले जाते दौड़ नहीं सके ठीक से। गाड़ी में दौड़ना है बस, गाड़ी में बैठ के दीदी देखना है हाथी लोग का है। गलत डिसीजन बताते, नहीं बता पाए हाथी कहाँ है। वन विभाग पिछले कई सालों से हाथी के पीछे घूम रही है। अब हालात तो यह है कि वन विभाग को हाथी आने की सूचना ग्रामीण ही देते हैं। कभी कभी वन विभाग के सुस्त रवैये के चलते ग्रामीण आक्रोश हो जाते हैं। अपनी फसल बचाएं या हाथियों के आतंक से अपनी जान। समय पर बर्बाद हुए फसलों के निरीक्षण और मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण अक्सर वन विभाग की टीम पर आक्रोशित हो जाते हैं। फिंगेश्वर के गनियारी गांव में भी यही देखने को मिला। हाथी समय के साथ अब जंगल, किसानों के खेत के अलावा शहरों के करीब और गांव के गलियों को अपना ठिकाना बना चुके हैं, जो वन विभाग के लिए और भी बड़े मुश्किलों की दीवारें खड़े कर रहे हैं। यह मुसीबत समय के साथ साथ और भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब हालात को देखते हुए वन विभाग को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए, जिससे हाथी भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। साथ ही जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तेज करें, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हाथियों को यह क्षेत्र खूब पसंद आ रहा है, इसलिए अपने मन से आते हैं और खूब आतंक उत्पात मचाकर यहां दहशत फैलाकर चले जाते हैं और फिर वापस आने की तैयारी करते हैं। बेहद ही गंभीर ये मामला हो चुका है, क्योंकि शाम होते ही जिस क्षेत्र में हाथी है वहाँ एक तरह से दहशत का आलम हो जाता है। अब सवाल ये है कि हाथियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किसानों को कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि हाथी तो अब जंगल से गांव, शहर और आपके घर तक है। फिलहाल मुझे निश्चय इमरान, मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। We'll be right back.